1984 और दोस्तों भोले ओ भोले इसके कॉर्ड्स हमने आपको बताए थे। आइए आज इसका टैब हम लोग देखें गिटार पर, जो इसकी स्केल है वो एफ शार्प माइनर की है ओरिजिनल में भी, तो उसी पर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये इसकी स्केल है, स्टार्टिंग में इसका छोटा सा म्यूजिक आता है, तो ये बड़ा इजी है दोस्तों। इसमें आप फोर्थ स्ट्रिंग का फोर्थ वाला प्रेस कर लीजिएगा और थर्ड का सेकंड और सेकंड स्ट्रिंग का सेकंड, ये तीनों को प्रेस करने के बाद आप ये टैब्स फॉलो करिएगा। ये इसका स्टार्टिंग म्यूजिक था, इसके बाद सॉन्ग स्टार्ट होते हैं। इसका कोरस पार्ट था, इसके बाद इसकी म्यूजिक आती है, कुछ ऐसा आता है शुरू में, इसके बाद लीड पार्ट हम लोग देख लेते हैं इसका। ये इसका लीड पार्ट था, एक बार हम फिर से बजा देते हैं इसको। इसके बाद नेक्स्ट लाइन जो इसकी आती है वो, फिर से देखिए, तो इन दोनों को एक बार हम फिर से बजा देते हैं। इसके बाद स्टैंजा स्टार्ट होता है, तो दोस्तों ये इसके टैब्स थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आप इनको नोट कर लीजिएगा, फिर प्रैक्टिस करिएगा, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।